ये गाड़ी जो है ना, चेक इंजन लाइट जो है वो ब्लिंक हो रही है और गाड़ी जो है सडनली अपने आप बंद भी हो जाती है कभी कभी। इंजन में वाइब्रेशन भी काफ़ी है और अभी हम इसको स्कैन किया है तो ये रिपोर्ट इसकी सामने आई है जिसमें शो कर रहा है कि सिलेंडर नंबर 1 जो है वो मिसफायर कर रहा है, जिसकी वजह से रैंडम मिसफायर दिखा रहा है। सो एक्चुअली इसका प्रॉब्लम है इसका इग्निशन कॉइल। अभी हमें इसका जो इग्निशन कॉइल है नंबर 1 का वो चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि स्पार्क प्लग इसका चेक किया था वो सब सही था। अभी फ़िलहाल इसका इग्निशन कॉइल जो है वो बाहर निकाल देते हैं। इसका शॉकेट है, पहले ये शॉकेट निकालना है, उसके बाद इसका स्क्रू निकाल देना है और स्क्रू खोलने के बाद इग्निशन कॉइल बाहर आ जाएगी। एक्चुअली इग्निशन कॉइल चेंज करना बहुत ही सिंपल है। ये इसको खोलकर आपको इग्निशन कॉइल को पकड़ना है, बाहर निकालना है, इट्स डन। ये इसके न्यू इग्निशन कॉइल है, ओरिजिनल मंगाया है। इसका अप्रॉक्सीमेटली कॉस्ट 1010 के आसपास समथिंग कुछ है एंड ओरिजिनली यूज़ करें ज़्यादा बेटर होता है, क्योंकि क्वालिटी काफ़ी अच्छी होती है, अदरवाइज़ आपको बार बार चेंज करना पड़ेगा। इग्निशन कॉइल को ऐसे डायरेक्टली अंदर डाल देना है जहाँ पे स्पार्क प्लग लगता है एंड उसके बाद इसका स्क्रू जो है वो टाइट कर देना है। स्क्रू टाइट करते टाइम एक चीज़ ध्यान रखना है कि स्क्रू बहुत ज़्यादा टाइट मत करना, वरना इग्निशन कॉइल टूट सकता है। आपको पता चल जाएगा जब आप टाइट करेंगे कि कितना टाइट हो चुका है। उसके बाद एक क्लिप है, इस क्लिप को लगा दीजिए और क्लिप को लगाने के टाइम पर एक अच्छे से पुश कीजिए ताकि वो अच्छे से फिट हो जाए, पिन में अच्छे से सेट हो जाए वो बिल्कुल, वरना वो लूज़ होगी तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट होगी। अभी गाड़ी को स्टार्ट कर लेते हैं क्योंकि इंजन पहले काफ़ी मिसिंग कर रहा था, चेक इंजन लाइट ब्लिंक कर रही थी, लेकिन अभी वो सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। अभी स्टार्ट करके देख लेते हैं। अभी गाड़ी स्टार्ट हो गई है और चेक इंजन लाइट भी ब्लिंक नहीं कर रही है, चेक इंजन लाइट नहीं शो कर रही है, कोई एरर लाइट भी नहीं है। सो हमारी जो प्रॉब्लम थी इंजन मिसिंग होने की, चेक इंजन लाइट ब्लिंक करने की, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।